अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपको केमिस्ट्री की क्लासरूम में खुशामदीद। और आज आपके लिए जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उस टॉपिक का बेसिकली कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होना ज़रूरी है अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल का टॉपिक कर रहे हैं, क्योंकि उस टॉपिक का ताल्लुक बहुत सारे न्यूमेरिकल से है। आज का टॉपिक हमारा है मोल। आपने टॉपिक पढ़ लिया होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। आज हम आपको बताएंगे कि मोल बेसिकली होता क्या है, मोल कैसे निकालते हैं हम, मोल के बारे में क्या कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, और फिर हम आपको ये बताएंगे कि हमारे पास वो कौन सी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं मोल की, यानी मोल को हम इस्तेमाल करके और क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग होने जा रही है फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आएगी। वैसे बेसिकली अगर मैं मोल की बात करूँ तो मोल बेसिकली इंग्लिश जो है वोकैब के अंदर जो है मोल को वैसे तिल बोलते हैं, यानी जो बर्थ मार्क होता है उसको हम मोल बोलते हैं, ओके। लेकिन केमिस्ट्री में मोल हरगिज ये नहीं है। आप तमाम बच्चे मोल का नाम जानते हैं, मोल के नाम से पहली दफ़ा आपका जो है वो मुलाकात नहीं हो रही, आप पहली दफ़ा नहीं सुन रहे। आप मोल के जो वर्ड है, मोल की जो केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, आप इसको बहुत दफ़ा सुन चुके हैं। लेकिन आज की वीडियो में आपको हम वो सारी बातें बताएंगे, लेकिन एक नई अपडेट के साथ, सही है, एक नई मेथडोलॉजी के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह सीखने में बहुत मदद मिलेगी, और आप मोल को किसी भी लेवल पे स्टडी कर रहे हैं आप आसानी से मोल क्लियर कर लेंगे, ओके बच्चों। पहली बात जो आपको हमने समझानी है वो ये है कि मोल के बारे में एक डेफिनेशन आपके माइंड में हैगी कि सर मोल हम बोलते हैं किसी भी एटम के एटॉमिक मास को, किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को, और किसी भी फॉर्मूले के फॉर्मूला मास को अगर हम ग्राम्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो मोल है। चलिए इस डेफिनेशन को भी मान लेते हैं, लेकिन हमारी आज की क्लास इस डेफिनेशन से शुरू नहीं होगी। आज हम आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, एक जेन्युइन कॉन्सेप्ट दे रहे हैं जो कि केमिस्ट्री हमें देती है। आज की क्लास में हम आपको बेसिकली एक बात से शुरू करते हैं, मोल एक नंबर है। क्या कहा? मोल एक नंबर है। मिसाल के तौर पर मोल जो है वो एक नंबर है, और फर्स्ट करें किसी भी चीज का एक मोल अगर है, फर्स्ट करें किसी भी चीज का एक मोल अगर है तो वो बराबर होगा 6.02 इंटू एक्सपोनेंट 23 एटम्स। यहां पर आपको वैल्यू में फर्क पड़ सकता है, 6.02 के बाद 2 भी आता है, 6.02 के बाद 3 भी आता है। मैंने इसलिए सिर्फ 6.02 लिख दिया, चाहे तो आप भी 3 इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट बुक हम चल रहे हैं। अब बहुत से बच्चे बोल रहे होंगे कि सर ये वाली वैल्यू तो हमने कहीं देखी है। हाँ बिल्कुल देखी होगी। इस पूरी वैल्यू को हम जो है एक्सप्रेस करते हैं एन ए से, यानी एवोगैड्रो नंबर। जरा बच्चों थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालो, जल्दी से शाबाश, और ये नतीजा निकालो कि एवोगैड्रो ने क्या कहा था। एवोगैड्रो ने क्या कहा था? वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.02 इनटू एक्सपोनेंट 23 एटम्स। मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि जनाब एक मोल किसका, एक मोल मैं बोलूं ए वन मोल ऑफ कार्बन, कार्बन एक सिंगल एटम है, कार्बन एक सिंगल एटम है, तो अगर आपको बोले कि भाई एक मोल एटम के अंदर जो है बताओ कितने एटम्स होंगे, तो आपका बड़ा आसान सवाल है कि वन मोल ऑफ कार्बन कंटेन्स 6.02 इनटू एक्सपोनेंट 23 एटम्स। क्लियर हो ये बात? लेकिन बच्चों ये सिर्फ एटम्स पे अप्लाई नहीं होगा, मिसाल के तौर पे किसी भी चीज का वन मोल होगा ना वो इसके बराबर है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, आप केले लेने गए होंगे या आप किन्नू लेने गए होंगे तो आपने वहां पर एक चीज देखी होगी कि एक दर्जन में, यानी एक डजन में आप अंडे लेने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक डजन जो है वो बराबर है किसके, 12 के। तो समझ लीजिए कि ये एक मोल नहीं, एक केला है, और ये एक केला जो है, एक बनाना जो है वो बराबर है 6.02 इनटू एक्सपोनेंट 23 एटम्स के।
तो मतलब एक बात क्लियर हो गई कि मोल एक नंबर है जो कि इसके बराबर है। क्लियर हो रही है बात, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब बात कर रहे हैं कि वन मोल ऑफ वॉटर, वन मोल ऑफ वॉटर, वॉटर एक कंपाउंड है, H2O एक कंपाउंड है। अब इसका जो वन मोल है वो भी बराबर होगा 6.02 × 10²³ एटम्स के। उम्मीद करता हूं बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब मिसाल के तौर पे हम थोड़ा सा चेंज करके हम लिखते हैं वन मोल ऑफ Cl2 क्लोरीन गैस, भाई वन मोल ऑफ Cl2 किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे 6.02 × 10²³ एटम्स। स्टूडेंट्स एक बात तो क्लियर हो रही है, वो क्या बात है, वो ये बात है कि मोल कोई भी सब्सटेंस का, एक मोल सब्सटेंस में एटम भी आ गया, सब्सटेंस में कंपाउंड भी आ गया, सब्सटेंस में मॉलिक्यूल भी आ गया, सब सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का एक मोल कितने एटम्स कंटेन करेगा, 6.02 × 10²³ एटम्स। देखो बच्चों मोल को समझना बहुत जरूरी है, उसकी वजह यह है अगर आप मोल को समझेंगे तो आप बहुत सारी एप्लीकेशंस कर सकते हैं। जब मैं आपको थोड़ा सा आगे, जब हम वीडियो को लेकर जाएंगे, लेक्चर को आगे लेकर जाएंगे, तो आप देखेंगे कि मैं मोल को इस्तेमाल करके कितनी सारी चीजें निकाल रहा हूं। मैं भी थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं। देखिए आप डेंसिटी निकाल सकते हैं, आप मोलैलिटी निकाल सकते हैं, आप किसी भी सोल्यूशन की या किसी भी सोल्यूशन के अंदर जो है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का भी पता लगा सकते हैं आप नंबर ऑफ मोल को इस्तेमाल करके। तो नंबर ऑफ मोल के यानी बहुत सारे जो है वो हमारे पास क्या है, एप्लीकेशंस है। स्टूडेंट्स ऐसा सोचना भी हल्की जो है वो गलत नहीं होगा कि क्या मोल का सिर्फ एक ही फॉर्मूला हमें केमिस्ट्री देती है, मोल का क्या सिर्फ हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं मोल के। हमें एक बेसिक फॉर्मूला बता दिया जाता है, हमें एक बेसिक फॉर्मूला समझा दिया जाता है कि जनाब नंबर ऑफ मोल जो है किसी भी चीज के लिए, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल, मैं इसको ओपन करके लिख लेता हूं, नंबर ऑफ मोल किसी भी चीज के नंबर ऑफ मोल जो है वो बराबर है मास इन ग्राम, यानी गिवन मास या मास इन ग्राम जो आपको अच्छा लगे, या फिर मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास। अगर एटम होगा तो एटॉमिक मास आएगा, अगर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास आएगा। एक बात तो आपको क्लियर हो रही होगी। तो स्टूडेंट्स ये तो बेसिक फॉर्मूला है जो मैं समझता हूं हर बच्चे को ही पता है मोल का, कि नंबर ऑफ मोल को अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो ऐसा हो जाएगा नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास को या मास इन ग्राम को हम स्मॉल एम से लिखते हैं और मॉलिक्यूलर मास को या एटॉमिक मास को कैपिटल एम। ये है सिंबल की शक्ल के अंदर फॉर्मूला, यानी इधर n का मतलब नंबर ऑफ मोल है, स्मॉल m का मतलब क्या है बच्चों, स्मॉल m का मतलब मास इन ग्राम या गिवन मास है, और मॉलिक्यूलर मास यानी कैपिटल है। तो स्टूडेंट्स ये तो एक जनरल फॉर्मूला है, लेकिन मैं आज की वीडियो में आपको और मजेदार फॉर्मूले समझाने जा रहा हूं, यानी मोल के हम और कौन कौन से फॉर्मूले हैं। इस फॉर्मूले को लाजमी कॉपी करना है आप लोग, कॉन्सेप्ट भी मोल का आपको समझ में आया होगा कि भाई हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है मोल का, वरना हम लोग हमेशा एक गलत कॉन्सेप्ट लेकर जो है वो हम पढ़ रहे होते हैं कि जनाब ये है मोल का कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं है। इस फॉर्मूले को हम लिखे रहने देते हैं कि ये फॉर्मूला हमारे पास यहां पर राइट हुआ है। बच्चों एक और फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है, वो एक और फॉर्मूला क्या है, वो ये है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, अब याद करें एवोगैड्रो नंबर का एक फॉर्मूला होता था कि नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na, मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na, वो Na मल्टीप्लाई होता था, क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या बन जाएगा एक और फॉर्मूला ये बन जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय Na। अब Na की वैल्यू तो आपको पता है कि एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या है बच्चों, 6.02 × 10²³ एटम्स, ये तो आपको पता है बात। ये फॉर्मूला पहली दफा नहीं देख रहा है आप, या आपने देखा हुआ है ये फॉर्मूले को, जस्ट मैंने फ्री करा है कि नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na, ये फॉर्मूला आपको पता है, मैंने जस्ट उसमें से नंबर ऑफ मोल्स को फ्री कर लिया। ओके स्टूडेंट ये एक और फॉर्मूला,
हमारे पास अभी हमने दो वर्किंग फॉर्मूले निकाल लिए हैं नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के। दो वर्किंग फॉर्मूले हमारे पास है कि नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें निकालना हो, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें निकालना है, अगर आपके पास मास दिया गया है और कंपाउंड का फॉर्मूला या नाम दिया गया है, आप आराम से ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे और नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। अभी मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी सिखाऊंगा। अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स दिए गए तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अभी मैं सिर्फ इन दो फॉर्मूलों को लेकर चल रहा हूँ, फिर जब इन दो फॉर्मूलों को हम समझ लेंगे तो हम इंशाल्लाह इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके पास दो फॉर्मूले, इनको आप जो है अच्छी तरीके से क्या करें, कॉपी करें। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हमें उसने बोल दिया और किसके नंबर ऑफ मोल्स 20 ग्राम कास्टिक सोडा। याद करें, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपके पास मास दिया जाए, अब मास को कैसे पहचानोगे, आपके पास ग्राम होगा, आपके पास किलोग्राम होगा, आपके पास मिलीग्राम होगा, आप तमाम यूनिट्स मास की जानते हैं। तो अगर आपके पास बेस्ट यूनिट जिसमें आपने सवाल करना वो है ग्राम, ये भी मैं बता दूंगा आपको। अगर आपके पास बच्चों उसने आपको मास दिया हुआ है, आपको एक फॉर्मूला पता है कि जनाब ये है एक चीज जिसका हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने। याद करो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर कभी भी मास दिया गया होगा तो सैंपल वाला फॉर्मूला लिखो, मैं एन का मतलब नंबर ऑफ मोल बराबर है, स्मॉल एन का मतलब मास इन ग्राम और कैपिटल एन का मतलब मॉलिक्यूलर। अब बहुत से बच्चे परेशान है कि सर मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना नहीं आता, तो अब हम क्या करें। यहां पर आप देखेंगे एक आई का ऑप्शन होगा कार्ड का या इंपॉर्टेंट वीडियो का, तो आप देखेंगे वो आई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे बच्चों, तो आपको एक वीडियो मिल जाएगी और उस वीडियो को देखकर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना आ जाएगा। क्योंकि मॉलिक्यूलर मास अगर आपको निकालना नहीं आता तो आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। आप देखिए, मैंने लास्ट टाइम मोलैरिटी आपको समझाया था, उसके लिए भी आपको क्या चाहिए था, उसके लिए भी आपको मॉलिक्यूलर मास चाहिए था। आप जैसे जैसे केमिस्ट्री में आगे जाएंगे, आपके लिए मॉलिक्यूलर मास कहीं पर किसी भी वक्त प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरी हो, आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने की जरूरत पड़ सकती है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर जाकर उस आई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो वीडियो हाजिर हो जाएगी, यानी आप मॉलिक्यूलर मास आराम से सीख लेंगे। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले बनाइए डेटा, डेटा बना लीजिए। डेटा में आपके पास क्या चीज दी गई है, सबसे पहले तो बोला कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को मालूम करने का बोला, वो आप किसमें लिख दीजिए, वो आप लिख लें रिक्वायर्ड में, वो आप रिक्वायर्ड में लिख लें कि नंबर ऑफ मोल्स का सैंपल क्या है एन, टाइम बचाइए आप, पूरा पूरा नहीं लिखिए। मास का सैंपल क्या है स्मॉल एम, कितना मास दिया गया है 20 ग्राम। स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे कैसे निकलेगा, आप देखिए इधर मेथड कर देता हूं थोड़ा ताकि आपको समझ लें, एन ए ओ एच इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, सोडियम का कितना होता है 23। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए बार बार मैं वीडियो में बोलता हूं कि आपको एटॉमिक मास का चार्ट याद होना चाहिए, इसेंशियल एलिमेंट्स का एटॉमिक मास का चार्ट अगर आपको याद होगा तो आप आगे बढ़ सकते हैं। वंदन, कितने सोडियम है एक, प्लस ऑक्सीजन कितने बच्चों एक, 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 1, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 23 बन जाए 23 प्लस 16 प्लस बना दिया प्लस 1 1 1, तो आप इसको करेंगे तो आपका आंसर आएगा 40। सही है स्टूडेंट्स, तो आपको अगर डिटेल में देखना है तो वाली वीडियो आप लाजमी देख लीजिएगा 40 AMU। स्टूडेंट्स एक बात क्लियर हो गई, हमने डेटा बना लिया, न्यूमेरिकल कोई सा भी हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, या चाहे कोई और भी सब्जेक्ट का न्यूमेरिकल हो, आप हमेशा याद रखना आपको डेटा बनाना आ गया तो आपका 50% सवाल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं बच्चों, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सीधा सीधा फॉर्मूला बताइए, क्या फॉर्मूला था बच्चों, एन इज इक्वल्स टू स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम। क्या देखिए आपके पास स्मॉल एम और कैपिटल एम मौजूद है, दोनों मौजूद है, और कैसे मैंने निकाला वो आपको पता है, n is equals to small m बेटा कितना दिया हुआ है 20, capital m बच्चों कितना दिया हुआ है 40। सही है बच्चों,
तो आप मिसाल के तौर पे आप इसको जीरो से जीरो काट दीजिए, टू वन जै टू, और ये क्या हो जाएगा आपके पास टू, तो n इज इक्वल टू आपके पास क्या आया वन डिवाइड बाय टू। आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर बच्चों क्या आ जाएगा 0.5, और आप आगे क्या तक आ जाएंगे 0.5 मोल्स। सही है बच्चों, तो आपने एक चीज देखी कि मैंने किस तरीके से जो है मेरे पास मास दिया गया था सवाल में, और मैंने उसको इस्तेमाल करके ये वाला बेसिक फॉर्मूला इस्तेमाल करके मैंने क्या निकाल लिया स्टूडेंट्स, मैंने निकाल के आपको दिखा दिया नंबर ऑफ मोल। तो स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस लाजमी करिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ सवाल दूंगा लाजमी करिएगा। अभी आप फिलहाल करें ये कि यहां पर आप निकालें 40 ग्राम ऑफ, लाजमी करिएगा CaCl2 के अंदर कितने मोल्स होते हैं ये आप बताइए, पहला सवाल आपका ये हो गया। सही है, दूसरा सवाल आप मुझे जल्दी से बताएं कि 200 ग्राम ऑफ NaCl, मुझे इसको भी आप करिएगा, मुझे उम्मीद है आप करेंगे मेरी बात को, मानेंगे क्योंकि आपका ही फायदा है। और 48.4 ग्राम ऑफ H2O, तो बच्चों मैंने आपको तीन सवाल दे दिए, मुझे उम्मीद है आप ये तीनों सवाल करेंगे, बाकी सवाल आपको कहां भी लेंगे डिस्क्रिप्शन में। तो पहला स्टेप हमें समझ में आ गया कि अगर हमारे पास मास दिया जाए तो हम किस तरीके से मास को इस्तेमाल करके हम उसके मोल्स निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट इसको कॉपी करें। स्टूडेंट्स अब हमारे पास बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोले हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 19.2 इनटू एक्सपोनेंट 24 एटम्स ऑफ क्लोरीन। अब आपके पास मास नहीं दिया गया है, अब आपके पास एटम्स दिए गए। अब चलो बच्चों देखते हैं, अगर यहां पर 6.02 इंटू एक्सपोनेंट 23 एटम्स लिखा हुआ होता तो हम झट करके आंसर बता देते कि एक मोल क्लोरीन का बराबर, एक ही मोल बराबर हो सकता है 6.02 के, सिर्फ एक। याद रखना ये जो कांस्टेंट चीज है कि वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.02 इंटू एक्सपोनेंट 23 एटम्स, ये कांस्टेंट चीज है, ये हर एक पर अप्लाई नहीं होगी, ये भी मैं आपको बता दूं, ये हर एक पर अप्लाई नहीं होगी। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारे पास अगर यहां पर ये वाली वैल्यू लिखी हुई होती तो हमें आंसर खुद ही पता होता, या अगर वो कभी आपको एग्जाम्स में एमसीक्यूज, क्योंकि मैं वीडियो के आखिर में एमसीक्यूज के ऊपर भी बात करूंगा, तो अगर वो कभी ये दे दे तो आप आसानी से कर लेंगे। ओके बच्चों, तो आपके पास ये चीज जो दी हुई वो क्या है, एटम्स दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स डेटा बनाते हैं सबसे पहले। ओके बच्चों डेटा के अंदर आपके पास नंबर ऑफ एटम्स दिए गए, तो आप लिख लीजिए नंबर ऑफ एटम्स कितने दिए हैं बच्चों, 19.2 इंटू एक्सपोनेंट 24 एटम्स। स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ओके एनए की वैल्यू बच्चों आप खुद ही जानते हो कितनी होती है, उधर राइट भी हुई भी है कि कितनी होती है 6.02 इंटू एक्सपोनेंट 23 एटम्स। स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड में आ जाइए, रिक्वायर्ड में आ जाइए, रिक्वायर्ड में आपको बोल दिया नंबर ऑफ मोल यानी एन मालूम करना है, आप इसको खाली एन लिख दीजिए। सही है बच्चों, सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन जब बनाकर आपको दिखा देते हैं। देखें सॉल्यूशन, फॉर्मूले याद करो शाबाश जल्दी से, मैंने आपको दो ही फॉर्मूले बताए अभी तक मोल के, पहला वाला हमने कर लिया, दूसरा वाला ही लगेगा यहां पर, यानी नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एन। बच्चों जरा देखो डेटा के अंदर क्या ये दोनों चीजें आपके पास मौजूद है, जो इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर है बिल्कुल मौजूद है, नंबर ऑफ एटम्स भी है, और तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ एटम्स कितना दिया हुआ 19.2 इंटू एक्सपोनेंट 24, और बच्चों एनए कितना आपके पास है 6.02 इंटू एक्सपोनेंट 23। सही है बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल यहां पर एन लिख दिया, इधर भी एन लिख दिया। अब बच्चों अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप आसानी से फिल करेंगे, पुट करेंगे और आ जाएगा, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो अब क्या करें,
कुछ भी नहीं करना, मैं आपको समझा दूं। ये जो पावर है डिनोमिनेटर में, ये ऊपर जाएगी तो माइनस की जाएगी, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा, करके बता रहा हूं कि एक्सपोनेंट 24 ऊपर पहले से है, जब ये ऊपर जाएगी तो ऊपर क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंट 23 है, तो यह हो जाएगी एक्सपोनेंट माइनस 23, तो 24 माइनस 23 कितना जाएगा, एक्सपोनेंट 1, 1 आप लिखते नहीं है, चाहे तो चाहे तो लिख दे आप, सॉरी 1 आप लिख दीजिए, यहां पर 1 हम लिखेंगे क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन है। तो स्टूडेंट्स एक बात क्लियर हो गई, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर आप क्या करें इनकी वैल्यूज को करें उसके बाद आप इनको डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है तो आप कुछ भी नहीं करें, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करें, 19.2 इंटू एक्सपोनेंट 24 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू एक्सपोनेंट 23, योर आंसर विल बी 31.893। तो यहां पर पॉइंट के बाद में 3 डिजिट ले लिए और आगे लगा दीजिए मोल्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अगर एटम दिए गए हो और अगर हमें मोल निकालने का वो बोल दे तो आप आसानी से इसको इस्तेमाल करके, इस वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, तो कुछ क्वेश्चन आपके लिए हैं, आप कुछ क्वेश्चन करिएगा, मैं आपस को रफ करके जो है राइट कर देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो, कुछ क्वेश्चन आप करिएगा, मैं रफ कर रहा हूं। सवाल आप खुद बना लिएगा, सही है बच्चों, सवाल आप खुद बना लिएगा, मैं सिर्फ वैल्यू लिख रहा हूं कि 39.03 इंटू एक्सपोनेंट 29 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, पहला सवाल बच्चों ये है, सही है, क्वेश्चन नंबर 1। फिर आप करिएगा 28.3 इंटू एक्सपोनेंट 34 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, इसको वैसे बोलते हैं जिप्सम, सही है बच्चों, अभी उस पर कोई वो नहीं है, अभी आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ओके बच्चों, 31.24 इंटू एक्सपोनेंट 27 एटम्स ऑफ HCl। तो बच्चों ये 3 सवाल है, बाकी आपको मिलेंगे कहां पर, डिस्क्रिप्शन में। तो इसका सवाल खुद बनाओ कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 39.03 इंटू एक्सपोनेंट 29 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। आप सवाल खुद बना सकते हैं इंग्लिश वोकैब का, इंग्लिश अल्फाजों का इस्तेमाल करकर। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आपको दूसरा तरीका भी समझ में आया होगा। ओके, कॉपी कर लीजिए इसको। और स्टूडेंट्स हमने आपको वो 2 मेथड सिखा दिए कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पे मास दिया गया होगा तो आप आसानी से पता कर सकते हैं उसके मोल्स, या अगर आपके पास एटम्स दिए जाएंगे तो आप आसानी से पता कर सकते हैं। वो 2 थोड़े बेसिक लेवल थे, अब मैं बात कर रहा हूं थोड़े हायर ग्रेड्स के स्टूडेंट्स के लिए। आपने एसटीपी का वर्ड तो सुना होगा, एसटीपी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये मतलब आपको पता है। स्टूडेंट्स अगर आपके पास वो मोल्स निकालने का बोले एट एसटीपी तो अब आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम याद रखना, वॉल्यूम क्या हो एट एसटीपी होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर या फिर DMQ। ये वाला फॉर्मूला थोड़े हायर बच्चों के लिए मैंने आपको कहा, जहां पर एसटीपी की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही होगी, जहां पर एसटीपी इस्तेमाल हुआ होगा और बोल रहा होगा कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल एट एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो बच्चों वहां पर आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मैं आपको बड़ी बेसिक तरीके से आज की वीडियो में तमाम मोल्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स एक सवाल लेते हैं, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स लिखना आपकी मर्जी है,
नाइट्रोजन गैस ऑक्यूपाइंग ऑक्यूपाइंग 20 लीटर्स या 20 डीएम क्यूब इन अ कंटेनर एट एसटीपी। बच्चों एक सवाल आपके पास है, बोल रहा है एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर जो है वो नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और उन्होंने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है बच्चों वो कितना दिया गया है 20 लीटर, ये वॉल्यूम दे दिया गया आपको। और बोल रहा है कि जो कंडीशन है वो क्या है, एक स्टैंडर्ड कंडीशन यानी टेम्परेचर ऑपरेशन स्टैंडर्ड हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं, आप सीधा सीधा मैं यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूले सॉल्व करता हूं, आप डेटा बना लीजिएगा। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू स्टूडेंट्स वॉल्यूम एट एसटीपी कितना बच्चों 20 डिवाइडेड बाय ये जो कांस्टेंट है 22.4, तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास बच्चों कितना आ जाएगा, अगेन कैलकुलेट ऑन कैलकुलेटर मस्ट डिवाइडेड बाय 22.4, योर आंसर विल बी 0.892 मोल्स आपका आंसर आएगा। डेटा वगैरह आप खुद बता लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर आपको वो मोल्स निकालने का बोले एसटीपी कंडीशन के ऊपर यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन के ऊपर, तो आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और आपको निकल कर आ जाएगा। स्टूडेंट्स मैंने आपको तीन फॉर्मूले बताए मोल्स निकालने के, अगर एक फॉर्मूला अगर मास दिया जाए आप निकाल सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला एटम्स दिए जाए तो निकाल सकते हैं, तीसरा फॉर्मूला अगर आपके पास क्या दिया जाए, अगर आपके पास वॉल्यूम दिया जाए एसटीपी कंडीशन पर तो आप जब भी निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये तीनों मेथड समझ में आए होंगे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि मोल्स की क्या क्या एप्लीकेशन है, कि मतलब मोल्स को इस्तेमाल करके हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। मैं आपको एक चीज बार बार बोलता हूँ कि आप केमिस्ट्री के अलावा भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप उसको मजीद उसकी इन्वेस्टिगेशन करो कि मजीद हम इस चीज से फर्दर क्या क्या काम ले सकते हैं। सही है बच्चों, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे हमने मोलैरिटी को जब पढ़ाया तो हमने आपको मोलैरिटी की भी मजीद जो है वो आपको बताई थी कि आप इससे ये चीजें निकाल सकते हो। तो बच्चों आज मोल का कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, तो हम उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि हम मोल को मजीद यूटिलाइज करके, मोल को मजीद इस्तेमाल करके हम कौन कौन सी चीजें निकाल सकते हैं। बच्चों पहली चीज जो मैं समझता हूं आप मोल को इस्तेमाल करके निकाल सकते हो वो है डेंसिटी। आप किसी भी सॉल्यूशन की डेंसिटी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोल। अगर आपके पास मोल दिए गए हैं तो आप उसकी डेंसिटी निकाल लेंगे, यानी मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। वो मैं आपको एक ही एप्लीकेशन को करके बताऊंगा। सही है बच्चों। नंबर टू, अगर आपके पास मोल्स दिए गए हैं तो आप मोलैरिटी निकाल सकते हैं। आप क्या निकाल सकते हैं बच्चों, मोलैरिटी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास मोल्स मौजूद हैं तो आप डेंसिटी निकाल सकते हैं, अगर आपके पास मोल्स मौजूद हैं तो आप मोलैरिटी निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं मोल्स को इस्तेमाल करके और क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, आप बताएं थोड़ा। बिल्कुल, मोलैरिटी के साथ हम मोलैरिटी भी निकाल सकते हैं। सही है बच्चों, मोलैरिटी भी हम निकाल सकते हैं, मोलैरिटी भी निकाल सकते हैं, डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। और बताइए और सोचिए कि हम इसको इस्तेमाल कर जो है और क्या क्या निकाल सकते हैं। सॉरी, मोल को इस्तेमाल करके हम किस तरीके से बच्चों हम ये डेंसिटी निकाल सकते हैं, मोलैरिटी निकाल सकते हैं, मोलैरिटी निकाल सकते हैं, उसके अलावा बच्चों किसी भी चीज का मास निकाल सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस का मास निकाल सकते हैं बाय यूजिंग मोल। उसके अलावा और क्या क्या चीजें बच्चों जो आपको पता है कि हम ये काम कर सकते हैं, हम किसी भी एटम के नंबर बता सकते हैं या किसी भी मॉलिक्यूल के नंबर बता सकते हैं बाई यूजिंग मोल। तो स्टूडेंट्स एक बात तो क्लियर हो गई, उसके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशन है। आप मोल को इस्तेमाल करके आप नॉर्मैलिटी बता सकते हैं, आप परसेंटेज कंपोजिशन बता सकते हैं, तो मतलब बहुत सारी चीजें। आप
मोल को इस्तेमाल करके आप एक चीज और बता सकते हैं, और वो है किसी भी चीज का वॉल्यूम एट एस टी पी। बेशुमार एप्लीकेशंस हैं, ये तीन एप्लीकेशंस तो आपने भी करी हैं, बस उनको उल्टा कर देंगे तो उसकी एप्लीकेशन बन गई। अभी जितने भी सवाल करें, पहला वाले स्टेप में मास गिवन था, आप उसको उल्टा कर रहे हैं, आप उसको रिक्वायर्ड में डाल दें और मोल्स को आप लिख दें, मोल्स से आप मास निकाल लेंगे। दूसरा वाला तरीका, एटम्स दिए हुए थे, आप मोल्स को दे दें, गिवन कर दें और इसको रिक्वायर्ड में डाल दें। तीसरा वाला तरीका जो था, यानी एट एसटीपी जो हमने बात की थी, उसमें आप क्या करें, वॉल्यूम को आप क्या कर रहे हैं, रिक्वायर्ड में डाल दें, वॉल्यूम को निकाल लीजिए और मोल को आप गिवन में डाल दीजिए। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं वन बाय वन कि हम किस तरीके से जो है वो ये सारी चीजें मालूम कर सकते हैं। हमारे पास जो एप्लीकेशन है, यानी हम मोल को इस्तेमाल करके कैसे हम किसी भी चीज की डेंसिटी निकाल सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी निकाल सकते हैं। डेटा बनाते हैं, आइए डेटा बनाइए। डेटा में बोल रहा है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। रिक्वायर्ड में आप क्या लिख दीजिए कि आपको क्या चीज वो पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है डेंसिटी, तो आप डेंसिटी को आप इधर लिख दीजिए। बच्चों वो आपको उसने दिया हुआ क्या मोल्स आपको दे दिए, कि कितना मोल आपको बच्चों दिया हुआ, उसने आपने मोल दिया हुआ 20 मोल्स बच्चों, साथ उसने आपको वॉल्यूम भी दिया हुआ, तो वॉल्यूम बच्चों कितना है, वॉल्यूम आपके पास है 200 लीटर। अगर ml में होगा तो आप लीटर में कन्वर्ट कर लोगे, ये मैंने आपको बताई भी, और अगर आपको नहीं आता तो यहाँ पर आई के ऑप्शन में आपके पास मोडालिटी की वीडियो है, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप डिवाइड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो लीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिलीलीटर में। अगर मिलीलीटर से लीटर में कर रहे हैं तो डिवाइड कर देंगे। ओके बच्चों, बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की। बच्चों एक बात बताओ, गौर से, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। हमारे पास डेंसिटी निकालनी है, मास तो हमारे पास दिया हुआ ही नहीं है बच्चों, अब हम क्या करें। लेकिन बच्चों आपको मोल्स का फॉर्मूला पता है कि नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास के। क्या आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके मास निकाल लोगे, डिराइव कर लो उसको, फिर कैपिटल एम इधर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा एन मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम इज इक्वल टू एम। क्या आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके मास निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल सकते हो। और बच्चों ये वाला फॉर्मूले में मास पुट कर दोगे तो आपके पास डेंसिटी निकल के आ जाएगी। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 4 मास, क्योंकि मास जब तक नहीं आएगा जब तक डेंसिटी नहीं आ सकती। तो याद रखना, ये मैं आपको वाली एप्लीकेशन भी करवा लूं जो मास कैसे निकालते हैं, तो देखिए मोल को इस्तेमाल करके मास कैसे निकालते हैं वो भी मैं बता दूं, वो मैं अलग से आपको नहीं बताऊंगा। इधर देख लीजिए कि एन इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला फिली कर लिया ना, यहाँ पर आप यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते हैं, m इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय कैपिटल m। बच्चों कैपिटल m अगर निकालो तो कैपिटल m तुम्हारे पास सोडियम क्लोराइड का आएगा 58.5, आप निकाल के देखिएगा बच्चों लाजमी 58.5 amu। सही है स्टूडेंट, तो m इज इक्वल टू, n की वैल्यू बच्चों कितनी आई है 20 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल m की बच्चों वैल्यू कितनी आई 58.5। तो बच्चों मास के लिए मल्टीप्लाई करवा दो, जो भी आंसर आएगा ग्राम में आएगा, आपने दोबारा कैलकुलेटर को यूज करना है, 20 मल्टीप्लाई बाय 58.5, योर आंसर विल बी 11.20 मल्टीप्लाई 58.5 1170। तो आपने एक चीज देखी कि हमने किस तरीके से मोल को इस्तेमाल करके हमने मास निकाला। अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ, यानी डेंसिटी कैसे निकालेंगे। तो अब यहां पर लिखेंगे 4 डेंसिटी। बच्चों डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको यहां पर लिखा हुआ है, क्या होता है डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। बच्चों मास कितना आपके पास दिया हुआ है, मास आपने निकाला है 1170 डिवाइडेड बाय, बच्चों वॉल्यूम आपके पास कितना है 200। तो बच्चों डेंसिटी आपके पास कितनी आ जाएगी, जल्दी से मुझे बताओ कि डेंसिटी कितनी आ जाएगी, 1170 डिवाइडेड बाय 200, योर आंसर विल बी 5.85। और यूनिट आप इसकी राइट कर दीजिए कि ग्राम, मास ग्राम में था, वॉल्यूम लीटर में था, ग्राम पर लीटर या ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, जो आपको गिविंग हो आप उसके मुताबिक।
तो बच्चों आपने देखा हमने किस तरीके से हमारे पास, हमने इसी एप्लीकेशन में दो एप्लीकेशन बता दी कि अगर किसी भी सॉल्यूशन की डेंसिटी निकालनी हो आपको, सिर्फ वो मोल दे दे और वॉल्यूम दे दे तो आप पता कर सकते हो किस तरीके से पता करना है, ये मैंने आपको सब समझा दी है। तो इस सवाल के अंदर दो एप्लीकेशन हम कर चुके हैं, एक मास और दूसरी डेंसिटी। बच्चों आगे बढ़ते, अगर आपको जो है वो मोलैरिटी दे दी जाए और सॉरी मोलैरिटी आपको निकालने का बोले और वो आपको जो है मोल आपको दे दे, क्या आप मोल को इस्तेमाल करके मोलैरिटी निकाल सकते हैं? तो आपका जवाब होगा यस, बच्चों बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर आपको मोलैरिटी से मुतालिक कोई भी आपको वीडियो देखनी है या आपको ये वाले न्यूमेरिकल मजीद डिस्क्रिप्शन में सीखना है, दोबारा मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वहां पर आई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको मोलैरिटी से जुड़ी हुई तमाम वीडियो भी आपको मिल जाएंगी। स्टूडेंट्स डेटा बनाते हैं जल्दी से डेटा। अच्छा मोलैरिटी का आपको एक फॉर्मूला में बता दूं कि मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। बस शर्त क्या थी कि वॉल्यूम किस में होना चाहिए बच्चों? वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए था। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास सवाल लिखा हुआ है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो आपने वो कहां लिख दिया? वो आपने रिक्वायर्ड में डाल दिया। रिक्वायर्ड में आपने क्या लिख दिया? वॉल्यूम, सॉरी मोलैरिटी निकालनी है, कैपिटल एम से लिखते हैं। सही है बच्चों। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स आपको कितने दिए गए? 200 मोल्स आपको दिए गए हैं इन 40 लीटर। याद रखिएगा यहां पर शर्त क्या है कि वॉल्यूम किस में होना चाहिए बच्चों? लीटर में या एमएल में, सॉरी लीटर में या डीएम क्यूब में। अगर नहीं है तो आप कन्वर्ट करेंगे। वॉल्यूम बच्चों कितना दिया हुआ है? 40 लीटर। स्टूडेंट्स फॉर्मूला आपके पास मौजूद है, सॉल्यूशन लिखिए जल्दी से और यहां पर आप देखेंगे कितना आसान है। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। शर्त आपको पता है कि वॉल्यूम लीटर में हो या एमएल में हो। तो एन की वैल्यू बच्चों कितनी दी हुई है? तो लिख देते हैं हम एन की वैल्यू बच्चों कितनी है? 200। और वॉल्यूम की बच्चों कितनी है? 40। तो बच्चों 0 का 4 का 4 4 5 का 20, तो आपके पास जो मोलैरिटी है वो कितनी आई? 5m या मोल्स पर लीटर। आप इसको 5m भी लिख सकते हो या आप इसको क्या लिख सकते हो? मोल्स। और वॉल्यूम किसमें दिया गया है? लीटर में। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वाली एप्लीकेशन डिटेल में देखनी है, मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको कहां जाना होगा। बच्चों तो हमने आपको दूसरी एप्लीकेशन में बता दी कि आप मोलैरिटी को इस्तेमाल करके कैसे आप, सॉरी मोल को इस्तेमाल करके कैसे बच्चों आप किसी भी चीज की मोलैरिटी निकाल सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही आप मोलैरिटी भी निकाल सकते हो। सही है स्टूडेंट। तो अगर आप देखें तो जितनी भी एप्लीकेशन हमारी है तो हम मोल की एप्लीकेशन से डिनाय नहीं कर सकते। मैंने आपको आज एप्लीकेशन बताई, मैंने आपको मोल का कॉन्सेप्ट बताया कि जनाब मोल का कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में क्या कहता है। मोल बेसिकली एक एनिमल का भी नाम है, आपको पता है ये बात। तो एक बात क्लियर हो रही है कि केमिस्ट्री में मोल क्या है, आज की वीडियो में हमने आपको ये बताया। स्टूडेंट्स अगर हम इसको अब थोड़ा सा एमसीक्यूज वाइज देखें कि एमसीक्यूज वाइज वो कैसे आपको पूछ सकता है। ओके स्टूडेंट थोड़ा सा हम ये सब रफ कर लेते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि एमसीक्यूज वाइज वो आपसे कैसे सवाल करेगा। ओके बच्चों आपको एमसीक्यूज वाइज वो ऐसे सवाल कर सकता है, मिसाल के तौर पे फर्स्ट करें उसने आपको बोला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, उसने बोला 2 moles of CaSO4 contains dash atoms। आपको आपको चार ऑप्शन यहां पर दे दे, कोई से भी चार ऑप्शन आप बना ले दे दे आपको। अब आपने देखना यह है कि मिसाल के तौर पे ओके स्टूडेंट्स देखना आपको यह है कि आप मिसाल के तौर पे आपने करना क्या, आपको यह बात पता है कि 1 mole किसी भी सब्सटेंस का ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू कितने एटम्स के बराबर है? 6.02 × 10²³ एटम्स के। लेकिन बच्चों यहां पर तो खतरनाक चीज, यहां पर उसने 1 mole नहीं पूछा, यहां पर उसने पूछा कि 2 mole। तो कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा आपने इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करवा देना 2 से, कितने भी वो आपको मोल पूछे। ये कसरत से एमसीक्यूज में आपको पूछा जाता है। तो आप क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई
6.02 × 10²³, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.204 × 10²³. तो स्टूडेंट्स एक बात तो क्लियर हो गई कि आप वो अगर वो एमसीक्यूज में पूछे कि दो मोल किसी भी सब्सटेंस के किसके बराबर है, या आपको कोई भी नंबर दे दे, 200 दे दे, 40 दे दे, कोई भी एक्स वाई जेड नंबर दे दे, जस्ट आपने एक ये चीज याद कर लेनी है बस, और जो भी आपके पास नंबर वो दे मल्टीप्लाई करवा दीजिए, मल्टीप्लाई करवा कर आंसर तलाश करिए अपने ऑप्शन में, और जो आंसर आपके मैच हो जाए, जो आपको मल्टीप्लाई करवाने के बाद आंसर कैलकुलेटर में आया वो टिक कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स एमसीक्यूज और भी तरीके से आ सकते हैं, डेफिनेशन पूछी जा सकती है, और उसके अलावा मैंने जो स्टैंडर्ड टर्म आपको बताई है, बहुत सारी चीजें मैं आपको जितने भी मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे भी पूछ सकता है कि 26 ग्राम ऑफ NaCl contain डैश मोल्स, आप कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा N is equals to small m divided by capital M, 26 लिखो, NaCl का मॉलिक्यूलर मास निकालो कितना, 58.5 चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो आपको हर दफा एक सवाल की शक्ल में दे, वो आपको एक नंबर के MCQs की शक्ल में भी दे सकता है। तो 26 divided by 58.5, तो your answer will be 0.444, okay? उस स्टूडेंट तो आपका आंसर है 0.444। तो एक चीज तो कॉमन हो गई, MCQs की भी तैयारी हमने आपको बता दी कि MCQs इस तरीके से आ सकते हैं मोल से जुड़े हुए सारे। तो स्टूडेंट्स आई होप अब थोड़ा सा समअप कर देते हैं, समय आपको पेश कर देते हैं। आज की वीडियो में हमने आपको मोल का एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट आपको बताया, मोल होता क्या है, मोल की हम डेफिनेशन कैसे है, मोल को हम किस तरीके से निकालते हैं, फिर हमने बताई कि एप्लीकेशंस ऑफ मोलैरिटी क्या क्या है, हम मोलैरिटी को इस्तेमाल करके क्या क्या चीजें, सॉरी मोल को इस्तेमाल करके हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। दरअसल बार बार मोलैरिटी इसलिए निकल रहे क्योंकि मैंने यही वीडियो मोलैरिटी के ऊपर भी बनाई थी एक दफा, तो इसलिए बार बार मोलैरिटी निकल रहे, लेकिन आज का हमारा है टॉपिक मोल, तो आज हमने मोल को डिस्कस किया बहुत डिटेल में। तो स्टूडेंट्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरिटिकल टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक है, चाहे वो क्लास 9 के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो क्लास के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो, या आप किसी भी लेवल पर हैं, ग्रेड 7-8 के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बच्चों, तो आपको वहां पर मोल की जरूरत पड़ सकती है। मोल को निकालने के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड थी मैंने आपको कहा, मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको एटॉमिक मास याद होने चाहिए, उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर वीडियो का रिकमेंड दे दी कि आप वो वीडियो लाजमी जाकर देखिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिएगा, जब तक के लिए अपने साथ बैदमा खान को इजाजत दीजिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।